दोस्तों क्या आप इंटेलिजेंट हो? चलिए टेस्ट करके ही देख लेते हैं कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। दोस्तों आज आपके दिमाग के पुर्जे हिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जिससे देखकर आपको बताना है रियलिटी क्या है उस फोटो में और उस फोटो में अलग चीज क्या है। अगर हो सके तो मोबाइल बाजू में रख के खुशी में बैठ जाए ताकि आपको सही से पता चल सके। तो आ जाओ देखते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है। दोस्तों आप लोगों को मैं 10 सेकंड दूंगा, आपको 10 सेकंड में उस फोटो को देख के आइडेंटिफाई कर लेना है कि उसमें क्या चीज छुपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप देख रहे हैं MDT टेक ऐप। बिना वक्त गुवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, पढ़ाई करता कुत्ता। ज्यादातर लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि कुत्ते के साथ कैसा खेल खेला गया है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। नंबर दो पे है ब्रेन वॉश पिक्चर। तो चलाओ भैया, टिक टिक चलाओ। इस वाले फोटो में खजूर का कुछ ऐसा मिलना जैसे कोई ऊंट खड़ा हो। कैसा लगा ये आंखों का धोखा? कुछ लोग तो साला सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रहा है। भैया ध्यान से देखिए पूरे फोटो को, तभी आपको पता चल पाएगा। नंबर तीन पे है हैक बिगेस्ट स्केटबोर्ड इन द वर्ल्ड। चल यार टिक टिक भी चला, तू क्या कर रहा है? क्या हुआ फिर, दिमाग के तोते उड़ गए क्या? इस फोटो में स्केटबोर्ड से कार थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई है और स्केटबोर्ड नजदीक रखा गया है, उधर से फोटो शूट किया गया हुआ है, उसी वजह से स्केटबोर्ड पे कार खड़ी है ऐसा लग रहा है ना। मजेदार तस्वीर है कि नहीं बताओ। नंबर चार पे है डबल जेब्रा। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा जेब्रा देखा है जिसके दो मुंह और आठ पैर हों? तो ये है ऑप्टिकल एल्यूजन का बेहतरीन नमूना। अब शायद कितने को तो ये भी नहीं पता होगा कि ऑप्टिकल एल्यूजन होता क्या है। देखिए इस फोटो में आपको छट से आपको पट से पता लग जाएगा। इस फोटो को देखकर आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दो जेब्रा खड़े हुए हैं, एक आगे है और एक पीछे है, इसी वजह से आपको आठ पैर और दो मुँह दिख रहे हैं। नंबर पाँच, बूढ़ा बच्चा। ये तस्वीर तो आपका ब्रेन वॉश कम्प्लीटली वॉश करती थी। मोनू टिक टिक चलाओ। बस कर मोनू टिक टिक बंद कर। तो इस फोटो में पापा के गोद में बच्चा बैठा हुआ है और वो जो टोपी है वो भी बच्चे नहीं पहने हुए है, सिर्फ पापा का चेहरा दिख रहा है थोड़ा सा, इसलिए वो बूढ़ा बच्चा लग रहा है। क्या हुआ, ब्रेन वॉश हो गया ना आपका भी। नंबर छः, पहाड़ी चेहरा। अगर आपने इस तस्वीर को देख के जो सही आंसर दे दिया तो आप पक्का इंटेलिजेंट हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। इस पहाड़ वाली फोटो में कई सारे चेहरे छुपे हुए हैं, पर आपको सिर्फ एक ही फोटो दिखा होगा। ये जो बीच वाला है यही फेस आपको दिखा होगा, सही पकड़ा ना मैंने, आपको सिर्फ बीच वाला ही फोटो दिखा होगा, बल्कि इस पहाड़ पे बहुत सारे चेहरे बने हुए हैं। ये फोटो तो साला सच में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि साला पूरा दिमाग खराब हो गया इसमें ढूंढते ढूंढते। नंबर सात पे है मानसून एफिल टावर। तो आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है और आपको मुझे बताना है कि इस फोटो में क्या छिपा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिखा कि नहीं आप लोगों को? इस फोटो में गौर से एक बार फिर से देखिए क्या दिखता है आपको। इस फोटो में एक
फेस बना हुआ दिख रहा है, ये उसका मुंह है, ये दो इसकी आंखें हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा। ये रही नाक। जैसे कि मैंने आप लोगों को नाम बताया कि मॉनसून एफिल टावर, यानी कि ये मॉनसून के वक्त ऐसा कुछ क्रिएट हो गया था। और फोटोशूटर का तो काम ही ये होता है, साला कहीं भी कैसी भी फ़ोटो खींच दे और साला हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको एकदम फाड़ू लगी होगी और आप मुझे ज़रूर से लाइक कर देंगे, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब जरूर करेगा। क्या करोगे ना, कर भी देना यार, अपनी फैमिली बहुत छोटी है। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को पसंद है और आप लोग शेयर करते हो और उनको भी पसंद आती है और दूसरी वीडियो चैनल पे जाके देखिए तब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही आंखों को धोखा देने वाली वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि पार्ट टू चाहिए, इसका पार्ट टू जरूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अनोखे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बाय।